हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ प्रिया। आप सभी का मेरे चैनल में, प्रिया रियल लाइफ स्टाइल ब्लॉग में स्वागत है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टमाटर की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। ये देखिए, हमने 1 किलो 1.5 किलो के करीब टमाटर लिया है और इसको हम ऊपर का पहले इसका वो डंडी के पास का काट के निकाल लेते हैं। फिर इसको हम सारे टमाटरों को कट कर लेंगे लंबे लंबे पीसेज में। आपकी इच्छा लंबे लंबे करिए, चाहे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। और इसको कट करके सब सारे टमाटरों को कट कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद जाके इसको सब टमाटर कट करके उसके बाद इसको रख लेंगे। फिर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा जीरा और 3-4 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च और 1-2 पत्ता तेजपात का। और इसको हम तब इस जब हमारा फ़ौरन जल जाए फिर इसको हम डाल देंगे टमाटर को। और टमाटर थोड़ा सा यदि गल जाता है उसके बाद फिर ये देखिए हमने टमाटर सारे कट कर लिया है। ये देखिए हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में थोड़ा सा डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे जीरा, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च और तेजपत्त, और डाल के सबको ये भूंज लेते हैं। और फिर जाके उसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर। टमाटर थोड़ा देर जब पक जाए तो उसमें हम डाल देंगे 1/2 किलो गुड़ और उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। तब इसको हम अच्छे से पकाएंगे। पकाने के बाद फिर इसको ये देखिए हमने डाल दिया है टमाटर। अब टमाटर को हम मिक्स करके और ढक के पका लेते हैं थोड़ा सा। और थोड़ा सा ढक के पकाने के बाद ये देखिए टमाटर जो है हमारा पानी छोड़ने लगा है। ये देखिए हमने 1/2 किलो इसमें गुड़ डाल दिया। ये देखिए इसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा केवल टेस्ट के लिए बस। और इसको इसमें और थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। और तब इसको हम अच्छे से पकाते हैं। जब ये हमारा पक जाएगा फिर इसमें हम थोड़ा सा, इसके पहले हमने इसमें डालने के लिए धनिया, जीरा और 2-4 लाल मिर्च हम इसको भून के और पीस लिए हैं, उसका पीस के रख लिए हैं। अब ये देखिए जो हमारा ये है अब ये पक चुका है। इसको हम बिल्कुल नहीं वो करना है। देखिए हमारा ये धनिया, जीरा और लाल मिर्च का पाउडर है। अब इसको हम भून के इसको पाउडर बनाए थे और तब जाके इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए ये हमारी जो है खट्टी मीठी चटपटी चटनी जो है तैयार हो गई है। इसको हम ज़्यादा नहीं गलाएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब कि बिल्कुल वो नहीं करेंगे, क्योंकि जो है ना थोड़ा सा टमाटर के बहुत ज़्यादा वैसे हो जाने के बाद ये देखिए हमारा हो गया है। अब इसको हम जो है अभी गैस बंद कर देते हैं और फिर इसे हम निकाल लेते हैं कटोरे में। उसके बाद हम प्लेट में निकाल देते हैं चटनी। ये देखिए गर्म खट्टी मीठी चटनी हमारी जो है तैयार हो गई। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो